बात और हम आपको सुनाते हैं। विद्वानों को बहुत आनंद आएगा। भूदेव, गीतराज जटायु के पंख कट गए। किसने काटे? किसने काटे? रावण ने पंखों को काट दिया। रावण की तलवार ने पंख को काटा, गीतराज जटायु गिर गए भूमि पर। किसी ने कहा, अब तुम्हारे पंख नहीं है, तुम उड़ नहीं सकते, तुम भगवान के पास जा नहीं सकते। बड़े राम 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 पुकार रहे थे, लो अब पंख कट गए, ना राम के पास जाओगे न तुम्हें भगवान मिलेंगे। गीतराज जटायु की आंखों में आंसू आ गए और श्री जटायु जी कहते हैं, ठीक हुआ मेरे पंख कट गए। किसी ने कहा, क्या ठीक हुआ? बोले, पंख होते तो मैं उड़ता भी तो शायद भगवान के पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन अब पंख कट गए तो भगवान को हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं साधनहीन हो गया। साधनहीन भक्त की साधना भगवान पूर्ण करते हैं। जो भक्त अपने भरोसे पर चलता है वो गिर जाता है, वो बिखर जाता है। जो भक्त भगवान के भरोसे पर जीता वो निखर जाता है। बिखरना नहीं, निखरना सीखो। और हमारे पागलों, हमारी प्रार्थना है, हम लोग आप लोग भी साधनहीन भक्त बने तो कोई दिक्कत नहीं, हम भगवान के पास ना पहुंच पाए तो भगवान हमारे पास चले जाएंगे। भगवान बहुत दयालु है। कौशल्या पाषाण बनकर के मिथिला की गली में बैठी है, मूर्तिमान रूप होकर के, क्योंकि पति ने त्याग दिया, संसार ने त्याग दिया। ये दुनिया बहुत गजब की है, जब तक कुछ काम के रहो तब तक दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। स्वार्थ लाग करी सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और जेब में नोट है, तब तक बन जाएंगे लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। फिर कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता। आज अहिल्या जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। पाएंगे ये अगर तुम्हें भरोसा है तो जो भगवान के पास पहुंच गए, ऐसे संतों के चरण तक पहुंच जाओ, वो तुमको भगवान के चरणों तक पहुंचा देंगे। ये अहिल्या की कथा में मिला। अहिल्या भगवान के चरणों के पास नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये बैठ गई भक्ति के मार्ग में। तो विश्वामित्र जी राम को लेकर के आए हैं अहिल्या के पास। और तुम भी जब भगवान के भरोसे एक जगह बैठ जाओगे, जितने भी महात्मा हैं, भटकने की आवश्यकता नहीं, यहां वहां घूमने की आवश्यकता नहीं, भगवान के भरोसे एक जगह बैठ जाओ, कोई महात्मा राम जी की बाएं पकड़ करके तुम्हारे द्वार पर लाकर खड़ा कर देगा, ले लो जी भर के दर्शन करो। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे, जाऊंगा तजी चरण तिहारे, जाऊंगा चरण तिहारे, जाऊंगा चरण तिहारे, जाऊंगा चरण तुम्हारे।
चरणों को त्याग कर हम कहां जाएं? आहा, अहिल्या बैठी। अब यहां पर एक बात और, अब याद आ गई तो पूरी होने दीजिए। भगवान ने चरणों की रज नहीं रखी। ये लोगों ने जो कहा कि भगवान ने चरण छुबाए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और राम मर्यादा, भगवान राम मर्यादा को तोड़ नहीं सकते क्योंकि अहिल्या ऋषि पत्नी है और राम जी मर्यादा तोड़ नहीं सकते, इसलिए भगवान ने क्या किया, हमारे गुरुदेव का मानना है। भगवान ने अपने चरणों को ऊपर उठाया, एक चरण पवन देव को आज्ञा दी, हवा जोर की चली, हवा चली, भगवान के चरणों में हवा का स्पर्श हुआ और चरणों की रज उड़कर अहिल्या के पत्थर के ऊपर पड़ गई और चरण रज पड़ते ही वह अहिल्या तर गई। पर सत पद पावन सो के न सावन प्रकट भई तब गुण पत्नी प्रकट हो गई। महाराज आज हमको जो हमारे पति ने श्राप दिया ठीक दिया, क्यों न श्राप मिलती न आपके दर्शन होते। देखो श्राप वरदान है और रामायण में जितनी भी श्राप मिली सबको वरदान ही सिद्ध हुई। जय जयकार हुई। अहिल्या अपने पति लोक को गई,